नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। अमौर प्रखंड के जलारगढ़ थाना अंतर्गत छवाड़ी मार्केट में धरल्ले से कोडिन की खरीद बिक्री की जाती है। जन प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि कोडिन लेने और पीने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, मगर इसमें प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ के लोग प्रशासन को ध्यान देने की अपील की है। यहाँ 10+2 हाई स्कूल झवाड़ी के पीछे कोडिन की बोतल पड़ा रहता है, जिससे गंदगी फैल रहा है। यहाँ पर दूर से छात्र एवं छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे उसे काफी दिक्कत होती है। यहाँ कई मेडिकल भी है जिसमें कोडिन धरले से बिकती है, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे सनफिश पीकर अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। वही बताया जाता है कि इसमें काफी खरीद बिक्री यहाँ जोरों पर होती है, और इस प्रकार कई वर्षों से इस मार्केट में इस तरह का व्यापार होता आ रहा है। वही जनप्रतिनिधि मुखिया साकिर के द्वारा कहा गया कि प्रशासन को इसकी ओर सख्त ध्यान देने की जरूरत है। अगर प्रशासन और प्रतिनिधि सौ समय पर नजर देते हैं तो आने वाले समय में बहुतों की जिंदगी बच सकती है। दारू और कोरेक्स धरल्ले से बिक रहे हैं, क्या कोई प्रशासन इस पे एक्शन लेने आते हैं या नहीं? हमारे क्षेत्र में लगभग इस एरिया में, खासकर झवाड़ी हाट में, शराब और जो है नस्ली दवाई का बहुत ज़्यादा प्रचलन देखने में आ रहा है, और रोज़ाना जो है नशे से तुल लोगों का जो है जत्था बार बार देखा जा रहा है। प्रशासन को बार बार सचेत किया जा रहा है, कई दफ़े यहाँ पे रेट भी किया गया, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा स्पाई है कि प्रशासन के आने से पहले यहाँ जो है मार्केट खाली हो जाता है, और प्रशासन आता है और छापामारी करता है, और उसका छापामारी एकदम बेकार चला जाता है। क्या लगता है, थाना से जो चौकीदार पंचायत में बहाली करता, गांव में रिपोर्ट करता, क्या उसी के इंफॉर्मेशन के द्वारा क्या प्रशासन को जानकारी मिलती है कि प्रशासन आ रहे हैं उसके बंद करवा देते हैं? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ये हम कंफर्म नहीं, ये मजबूती के साथ या दावे के साथ हम ये नहीं कर सकते कि उसकी संलिप्तता नहीं है। क्या ऐसा भी तो नहीं कि ये लोग जो है मंथली फिक्स थाना में कर दिया हो, जिसकी वजह से इनको जानकारी मिल जाती है कि आज हम वेट करने आ रहे हैं? हमको तो नहीं लगता है ऐसा होता है, लेकिन जो दारू शराब बेचने वाला है वो बड़ा दबा के बोलता है कि हम लोग ऊपर से मैनेज हैं, लेकिन हमको यकीन नहीं है कि ऐसा प्रशासन के लोग करते हैं। आपने अभी अभी कहा कि प्रशासन पहुंचने से पहले बाज़ार खाली हो जाता है। हाँ, कोई स्पाई तो होगा। तो अगर वो आपको ये कह रहा है कि ऊपर तक हमारा मैनेज है, तो कुछ ना कुछ तो है। हाँ, कुछ ना कुछ है, हो सकता है। आप लोग कभी इस विषय में बात की है ग्रामीण लेके? आपके पंचायत भवन के आगे ही दारू की जो दुकानें भी लगी है, और फॉरेक्स धरल्ले से बिक रहे हैं। देखिए, कभी रोड पर भी कई, देखिए हम लोग कई बार सामाजिक स्तर से इसको विचार किए, और जिन लोगों पर शक हुआ कि लोग ऐसा कालाबाजारी करता है या शराब दारू या नस्ली दवाई का कारोबार करता है, ऐसे लोगों से बैठ के हम लोग कई दफ़े यहाँ के माननीय सरपंच साहब, हम लोग और प्रतिनिधि कई दफ़े इस पर चर्चा हुआ है कि समाज को सुधारने में कदम आप भी आगे आइए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा शैक्षणिक संस्थान भी है, और हाई स्कूल है, प्लस टू है, लड़कियाँ आती हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, और ऐसे में ये ऐसा होना ये बड़ा विडम्बना की बात है, और इस पर हम लोग लगातार पहल कर रहे हैं। और जो हम लोगों को पता चला है, क्योंकि हम लोग को इस दारू शराब से दूर रहना चाहते थे, लेकिन पता चला है कि कुछ मखसूस एरिया में दारू शराब का जो है बिक्री होता है, और इत्तेफाक से आसपास में वहाँ महादलित लोग बसते हैं। अगर हम लोग को भय भी लगता है कि अगर जाके हम लोग अपने स्तर से वहाँ पकड़ धकड़ करें तो हम लोग को एक नया बखेड़ाना खड़ा हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रशासन की मदद लेना चाहते हैं। प्रशासन के लोग आते हैं, कल भी आए, एक आदमी को उठा ले गए, लेकिन उन लोगों का जो रेट करना है वो भी व्यर्थ चला जाता है। आखिर ये समझ में नहीं आता है कि प्रशासन की गाड़ी आने से पहले घंटों पहले यहाँ सचेत हो जाता है। जिस दिन प्रशासन की गाड़ी यहाँ आती है, उस तरह संदिग्ध लोग जितना घूमता है उस दिन नज़र ही नहीं आता। इसका मतलब कोई ना कोई मजबूत स्पाई है जो यहाँ पे खबर कर देता है कि भाई यहाँ प्रशासन के लोग आ रहे हैं, तो उस दिन पूरा मार्केट क्लीन हो जाता है। जानकारी है कितने लोग यहाँ से कारोबार करते हैं, किसी का नाम जानकारी? हम किसका नाम है? हर साख पे उल्लू बैठा। जैसा कि अभी आपने कहा, आप नशीली दवाई का जो कारोबार करता है तो जाहिर है वो दवा का दुकानदार होगा। शक के आधार पे सर, शक के आधार पे किसका नाम है? हाँ, पहले भी छापामारी हुई है हमारे एक नियाज भाई, उसमें बिला वजह गलती से या फिर जैसे भी हो बिला वजह उनको अरेस्ट कर लिया गया। नहीं हो पा रही है, पता नहीं चल रहा है इसका मतलब ही है कौन। ऐसे लोगों के लिए आप प्रशासन ने क्या कहा? ऐसे लोगों के को पकड़ धकड़ करने के लिए, एस्पिरेंट कुछ लगाने के लिए हम चाहते हैं प्रशासन के लोग
एक गोपनीय तरीका से सिविल ड्रेस में अचानक छापामारी करें। हम प्रतिनिधियों को, खासकर मुखिया और सरपंच को जो है इन्फॉर्म करें, हम लोग उसकी सहायता करेंगे। वो अचक जब तक कार्रवाई नहीं होगी और वो ये बात प्रशासन हम लोगों के बीच रहे, हमको लगता है कि इसमें कामयाबी होगी। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर हुसैन है, पंजाब पंचायत के जवाहरी कमी का प्रतिनिधि।